हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रही है? यूट्यूब पे मुझे स्क्रीन है जो अंजलि शर्मा रेज हैंड। सुमन हैज रिक्वेस्टेड रेज हैंड। यस सुमन, बताइए कोई डाउट। स्टार्ट करते हैं। शायद यूट्यूब पे कुछ दिक्कत आ रही है आज, पता नहीं। चलिए, सभी बच्चे एप्लीकेशन पे तो हैं। देख लेते हैं। फाइन, हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज कॉस्ट शीट के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क में दिया था, आप डाउट कौन कौन से क्वेश्चन है आपको, आप बताइए। आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें एप्लीकेशन में। रूपा नमस्ते। हैंड रेज का ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वॉइस वॉइस में आप रिप्लाई कर सकते हो, जिसका मैं जवाब दूंगा। आप मुझे बताइए, लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कितने बच्चे आ गए हैं ऑनलाइन? महिमा ऑनलाइन है, रूपा, सुमन ऑनलाइन है। अभी बहुत बच्चे आए नहीं हैं, कुछ बच्चे यूट्यूब पे हैं। फटाफट जो बच्चे अभी एब्सेंट हैं जल्दी जल्दी आ जाइए तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं। मैंने असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था, सेकंड कर दिया था, थर्ड मैंने आपको खुद करने को बोला था और फोर्थ आई थिंक कर दिया था। फिफ्थ 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 की बात करें तो ये भी कर लिया था। सिक्स अभी बात नहीं करेंगे इसके, हम सेवन्थ को भी रहने देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं अब, ठीक है? आपके नोट्स का असाइनमेंट दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। रूपा का डाउट है, महिमा का डाउट, 8 क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, बिल्कुल ठीक। मैं भी वही सोच रहा था, मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा दूं आपको जो मेरे असाइनमेंट में गिवन है, ठीक है? इतने बच्चे लाइव आ जाएंगे और मैं एक काम करता हूं, इतने फॉर्मेट बना लेता हूं आपके लिए कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट बीकॉम फाइनल ईयर में यही दिक्कत रहती है कि बच्चे जॉब के लिए ज्यादा रहते हैं तो वो लाइव क्लास में कई बार ले भी नहीं पाते, बट कोई बात नहीं। ये काफी ब्रॉड हो गया, इसको यहां से मिटाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। हमने कॉस्ट शीट में काफी क्वेश्चन किए हैं, होपफुली आज हमारा मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो जाए। यूट्यूब पे कितने बच्चे जो लाइव हैं वो कौन कौन है? पीकू ने बोल दिया यस सर, ठीक है। वॉइस हर किसी को क्लियर है ना? वॉइस एक बार चैट ऑप्शन में बताइए, वॉइस क्लियर है? वन पॉइंट नाइन वो भी करा देंगे, 8 भी करा देंगे। वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ? यस, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ये क्वेश्चन आपके महेश्वरी मित्तल बुक में भी है। सेम क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे भी मैंने दे रखा है डाल के,
तो क्वेश्चन आप अपने बुक या असाइनमेंट में से देख सकते हैं। बाकी मेरे पास क्वेश्चन है तो सामने डिस्प्ले करने पे शायद विजुअल नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कहते हैं द बुक्स रिकॉर्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मंथ अगस्त 2012। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है डायरेक्ट लेबर 16,000, डायरेक्ट लेबर कितने का है 16,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता है। मैं पहले सबसे पहले आपकी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां हेडिंग लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या आता है यहां पे, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद क्या होता है यहां पे, वर्क इन प्रोग्रेस है क्या क्वेश्चन में, देख लीजिए बिल्कुल है। अब क्या आएगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थोड़ा विजुअल अगर नहीं हो रहा तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं। इसके बाद क्या आएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस दो पॉइंट रह गए हैं। शायद सीधा भी लाइन नहीं है, अच्छे इसको सीधा करते हैं। ये लीजिए, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद आता है सेल्स, और इसके बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। सर ये पहले लिख लिया, इसके बीच में बहुत कम गैप है, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में। इसका सिंपल सा तरीका है, मैं नोट बना के आगे डालता जाऊंगा और यहां लिखता जाऊंगा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है पुट करता जाऊंगा। कहता है डायरेक्ट लेबर है हमारा 16,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर 16,000, तो यहां पे सबसे पहले क्या आता है, परचेज, और इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, और कौन से वाला ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कौन से वाला, रॉ मटेरियल का, और फिर आ जाता है यहां पे डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर हमारे पास अमाउंट क्या है, 16,000 रुपए का। इसके ब्रैकेट में कुछ बोला है, इस पे हम बाद में देखेंगे कि क्या बोला हुआ है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी डायरेक्टली आपको यहां की इंफॉर्मेशन दी इसने, तो एग्जामिनर देख रहे हो आप सोचोगे सीधा क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सिर्फ मैंने फॉर्मेट बनाया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब दिया उसने तो डायरेक्टली कहां दे दिया, इसको पॉइंट को, यानी बीच के पॉइंट मिस कर दिए। तो हमें क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा पुट करेगा, हम माइनस प्लस करने में एक्सपर्ट है, माइनस प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट शो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 8,000 का है, डेट देखिए 1 अगस्त है, तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक 8,600, तो ये तो माइनस होगा। मैंने देखो पहले ही फॉर्मेट बना लिया। अब बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस का भी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे आता है, इसके बीच का टॉपिक होता है, तो प्लस ओपनिंग स्टॉक किसका, WIP। जो बच्चे आज नए आए हैं उनको पहले प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी, फिर उसे समझ में आएगा सारा कि ये किस तरीके से फॉर्मेट है। बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था और बच्चों को याद भी होगा लगभग। यहां पे लिखा 8,000 और फिर 12,000 माइनस का। मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 600
वो भी नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ब्रैकेट। एक बच्चे ने पूछा भी था सर नेगेटिव लगा सकते हैं, बिल्कुल आप नेगेटिव लगाइए, और ये 4,000 रुपये भी नेगेटिव है। इन सब के नीचे लाइन भी डाल देते हैं। चलिए एफ जी है 14 और 18, तो एफ जी कहाँ आता है, प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बीच का आता है, तो प्लस ओपनिंग स्टॉक किसका, एफ जी का। एफ जी किसे बोलते हैं पता है, फिनिश गुड्स को, क्लोजिंग स्टॉक, और ये भी एफ जी का होगा, फिनिश गुड्स का। तो ये 14,000 ओपनिंग। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर दे के बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन आपने नहीं होना। तो माइनस करेंगे इसको तो 4,000 माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। बस मैं लिखता जा रहा हूं, देखो अदर डेटा गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन है, सेल्स फॉर द मंथ गिवन है। तो सेलिंग एक्सपेंस कहां आएगा, इसके बीच का आता है, तो यहां प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, तो यहां पे सेलिंग एक्सपेंस आएगा, जो कि दे रखा है हमें 3400 रुपए। और इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, तो यहां पे एडमिन एक्सपेंस आएगा, एडमिन एक्सपेंस। तो आप पूरा पूरा लिखिएगा, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये दे रखा है हमें 2600 रुपए, ये लीजिए मैंने यहां 2600 लिख दिया। सेल्स फॉर द मंथ 75,000 रुपए, सेल्स की जगह पे मैंने सेल्स लिख दिया 75,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, और आपको रिक्वायर्ड है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड गुड्स और प्रॉफिट एंड अर्न कितना करता है ये बताना है। तो अल्टीमेटली लास्ट ऑब्जेक्टिव तो वही होता है कितना प्रॉफिट कमाया। यहां तक इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या कि मैंने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद फिल किया। अब देखिए कैसे करना है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, तो 56,000 और 3,000, 59,400 रुपीज, बताइए कोई डाउट? नो। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालू, तो देखो मैंने तो निकाल लिया प्रॉफिट, लेकिन एग्जामिनर ने बोल रहा पूरा स्टेटमेंट भी बताइए, सिर्फ प्रॉफिट निकालने से काम नहीं चलेगा। तो ये आ गया 15,600, ये डिफरेंस आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब याद रखिएगा जब आपको नीचे से ऊपर जाना होगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना होता है कि जो माइनस वाला है उसको प्लस करना होता है, और जो प्लस वाला है उसको माइनस करना होता है। और इनफैक्ट एक परचेज भी पूछा है क्वेश्चन में, गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सोल्ड, प्रॉफिट अर्न, तो सारी चीजें बताना है, कोई दिक्कत नहीं बता देंगे। अब बताइए मैं इस स्टेज पे पहुंच सकता हूं क्या? आपको पता है 56,000 है, इसमें से 4,000 माइनस करने के बाद 56,000 आया, तो प्लस कर दीजिए, तो ये कितना रहा होगा? सिंपल जवाब 60,000, किसी को डाउट? तभी तो माइनस करके ही आया है। अब क्या मैं इस स्टेज पे पहुंच सकता हूं? सर बिल्कुल, 60,000 आपका ये प्लस करने के बाद आया, तो 60,000 में से माइनस हम कर देंगे ना 2600 रुपए, तो ये आ जाएगा हमारा 57,400 रुपीज। इसमें से आपने इसमें से इसको प्लस किया होगा तो 60 आ गया होगा। अब ये माइनस, क्या इसमें से मैं इसको प्लस करके वापस जा सकता हूं? बिल्कुल, ये आ गया 61,400। तो आप देखिए 61,400 में से 4,000 माइनस किया होगा तो ये आया होगा, इसमें ये प्लस किया होगा तो ये, तो देखिए स्टेटमेंट बनता ही जा रहा है हमारा। अच्छा अब बात करते हैं डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर का क्या कहता है, एक बार एक पॉइंट हमने छोड़ा था अभी। क्वेश्चन में कहता है कि जो डायरेक्ट लेबर है 16,000 है, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो 16,000 रुपए है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड यानी यहां पे जो आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, ये डायरेक्ट जो है ना 16,000, ये फैक्ट्री ओवरहेड यानी इसका 160% है, इसका 160% है। तो हम क्या करेंगे, ये कितने परसेंट के बराबर है, 160।
तो डिवाइडेड बाय 160 और इनटू में 100। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका जवाब देना आप वन टू वन, और मुझे फटाफट से जवाब चाहिए इसका, जो एप्लीकेशन पे जितने बच्चे लाइव हैं वो भी और जो यूट्यूब पे लाइव हैं वो भी, दोनों जवाब देना मुझे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लेते हैं कि मैंने एक शर्ट खरीदा और ये शर्ट मुझे 1275 रुपए का पड़ा, 1275 रुपए का ये शर्ट मुझे मिला। मैंने दुकान वाले से पूछा, भैया दुकान वाले से पूछा मैंने, भैया इस पे कोई डिस्काउंट है क्या? इसने बोला भाई साहब मैंने डिस्काउंट काट दिया, इसमें पहले ही माइनस कर दिया, आप तो रेगुलर कस्टमर हो, डिस्काउंट मैंने पहले ही माइनस कर दिया। अच्छा पहले ही माइनस कर दिया डिस्काउंट? मैंने बोला कितना डिस्काउंट माइनस किया हमें तो बताओ भाई। इसने बोला सर मैंने इसमें से ना 15% डिस्काउंट माइनस कर रखा है, 15% मैंने इसमें से डिस्काउंट माइनस करा हुआ है। ओके, अब मैं परेशान हो रहा हूं। मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं कि भाई ये शर्ट थी कितने की, उसने 15% काट के 1275 का, लेकिन मेरा फायदा कितने का हुआ, डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, वो जानना चाहता हूं। तो फटाफट से बच्चे बताइए डिस्काउंट कितने रुपए का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डिस्काउंट बताइए कितने रुपए का है। डिस्काउंट बताइए कितने रुपए का है। रूपा का जवाब आया 167 रुपए और 15600 का सामान होगा। और बच्चे भी लाइव हैं, आप बताइए नॉर्मल सा क्वेश्चन। आप शॉपिंग करने जाते हो, यहाँ पे जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, चाहे कपिल हो, रिंकी हो, अफसीन हो, रूपा हो, और यूट्यूब पे भी हमारे काफी बच्चे लाइव हैं तो वो भी बता सकते हैं। मैं आपको एक काम करता हूं, यहाँ पे जल्दी जल्दी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। भाई YouTube वाले बच्चे बता नहीं रहे हैं। 225 का इस्तकार का आंसर आया सर, 225 का। और एप्लीकेशन वाले बच्चे कहते हैं, कुछ बोलते हैं, अफसीन का आया 166 का, रूपा 191 रुपए 25 पैसे। चलिए हर बच्चे का अलग अलग आंसर, इस्तकार का 225 का। तो बड़ा ही बेसिक सा है, देखिएगा किसका आंसर ठीक आया। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जो हम शॉपिंग करने जाते हैं हमारे माइंड में भी होता है। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा ये जो 1275 रुपए है ना, इसमें से 15% डिस्काउंट माइनस हो चुका है, बिल्कुल कहा है। तो इसका मतलब ये 1275 रुपए जो है ये कितने परसेंट के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, इक्वल कर दो। अरे इक्वल करेंगे तो क्या होगा, आप सिंपल मैं इसका परसेंटेज बता दो, ये कितने परसेंट के बराबर है, 15%। तो बोलोगे सर ये तो 85% के बराबर है, कोई भी अमाउंट होगा 85। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 85 का मतलब क्या, 85/100। जब इसको सॉल्व करेंगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये जो है 85% के बराबर है, इसलिए डिवाइड 85 कर दिया। और मैंने पूछा कि शर्ट कितने की थी या डिस्काउंट कितने का था ये बताइए, तो डिस्काउंट कितने परसेंट है, 15। अब मल्टीप्लाई 15 करिए आप। यानी मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो हमारा ये अमाउंट है ना वो कितने परसेंट के बराबर है, पहले ये तौल लो, उसको डिवाइड में रख दो। और मैं क्या जानना चाहता हूं कि डिस्काउंट भी जानना चाहता हूं, तो 15%। अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि ये शर्ट थी कितने की, तो भाई शर्ट 100% के बराबर होगा। जो प्रोडक्ट कितने का था वो हमेशा 100 के बराबर रहता है।
परसेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो किसका जवाब ठीक है, मुझे लगता है इस्तेकार का जवाब ठीक है, 85 इंटू में 15, बिल्कुल सही जवाब इस्तेकार, 225 रुपए सही जवाब है। अब देखिए काफी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, अगर मैं पूछता हूं शर्ट का प्राइस तो पता है कैसे निकालेंगे, 1275 रुपए है सर और इसको डिवाइड 85 से कर दो सर, मैंने बोला ठीक है। अब शर्ट की प्राइस पूछते तो शर्ट का प्राइस 100% के बराबर होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बोला ठीक है, तो जवाब आया 1500। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी करिए, अगर मैं 1500 में से 225 जो कि हमारा डिस्काउंट है, यानी 1500 का मैं अगर 15% निकालता हूं, ये देखिए 1500 का अगर मैं 15% निकालूंगा ना तो 225 आएगा, और अगर मैं यहां से 225 माइनस कर दूंगा तो जवाब मेरा 1275 ही आएगा, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना। कुछ बच्चे जो 167 191 या अलग अलग आंसर दे रहे थे वो उसमें से डायरेक्ट माइनस करके देखिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। ओके ठीक है, चलिए। तो सर इतने सारा आपने क्यों समझाइए, क्यों आपने इतना सारा टाइम हमारा ले लिया, जरूरी था ये समझाना, यानी इस पॉइंट से हमें इतनी बात पता चल गई कि जब कभी भी किसी को हमें परसेंटेज या सॉल्व करना होता है तो जितने परसेंट के बराबर होता है नीचे रखना होता है। अब देखिए ये 16000 जो है वो 160% के बराबर है, यानी इसका 160% ये है तो ये 100 होगा, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी। मैंने बोला 16000 रुपए जो है, मैंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अमाउंट है, जैसे कि डायरेक्ट लेबर जो दे रखा है आपको वो फैक्ट्री ओवरहेड से 160% ज्यादा है, 160% ज्यादा है, यानी ये जो बराबर है वो कितने के बराबर है, 160 के बराबर है। जैसे यहां डिस्काउंट 15 के बराबर था तो आपने डिवाइडेड बाय डिस्काउंट किया था 85 माइनस करके, यहां पे बोल रहा है 160 के बराबर है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 160। जवाब दीजिए आप कितना आएगा इसका, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, इस्तेकार का आंसर आ गया 16000 डिवाइडेड बाय 160। मुझे ये चाहिए कि ये कितने का है फैक्ट्री ओवरहेड, जल्दी जल्दी बताइए फैक्ट्री ओवरहेड। 10000 रुपए का जवाब आ गया। और महिमा और बताइए डाउट, बच्चे चुप रहते हैं, मैं हर बच्चे से 1-to-1 पूछना पड़ेगा लगता है, बताइए। जवाब आ गया कुछ बच्चों का 10000। तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, ओहो मैं कितने अमाउंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 रुपए। और क्यों 100, क्योंकि ये 100% है, इससे इतना परसेंट, किसी चीज का भी प्रोडक्ट पूछा जाए ना अगर उसका मैं परसेंटेज दे रहा हूं तो वही है, नहीं पूछा पता हो तो उसको 100 मान लेते हैं। तो जवाब है सर 10000 रुपए, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो होगा 10000 रुपए। सर इतनी सारी बातें इतने छोटे से काम के लिए, बिल्कुल करना पड़ता है। तो आप देखो 61400 है और ये, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 51400। तो वेरी सिंपल, 51400 में 10000 प्लस करोगे तभी तो 61 आएगा। अब हमें परचेज में निकालना है स्टेटमेंट, तभी तो बन पाएगा। अब हम 51400 में से माइनस कर देते हैं 16000 और प्लस कर देते हैं 600, तो प्लस 600 करेंगे तो यहां डिफरेंस आ गया जो कि आ गया 36000। अब देखिए 36000 में से अब मैं स्टेटमेंट आप चेक करिए, क्या कहीं एरर दिख रहा है आपको, शायद कुछ बच्चों को नीचे क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं। चलिए मैंने पूरा ही दिखा दिया, आप बताइए किसी का कोई डाउट, अब YouTube पे भी आंसर आ गया 10000 रुपए, किसी का डाउट बताइए फटाफट बच्चे फटाफट। 36000 रुपए इसका स्टेटमेंट अब बताएंगे, स्टेटमेंट पूछा है मैंने, बता दिया एग्जामिनर को भाई 36 में से 6 माइनस करो 16 ये करो तो ये आएगा, ये करो तो ये आएगा, तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट बन गया। ये आपका एक नोट था, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया था, अब जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। इस्तेकार का कहना है सर यूट्यूब वाले मुझे इस्तकार कहता है यूट्यूब वाले मजे ले रहे हैं। भाई साहब इस्तकार यूट्यूब की सारी क्लासेस नहीं डलेगी, यूट्यूब पे कुछ ही क्लास होंगी जब तक के टेक्निकल इशू, क्योंकि अभी भी देख रहे होगे क्वालिटी में थोड़ा सा
वैसे आपको भी पता है कि ब्लर हो जाता है, कम हो जाता है, तो कुछ इक्विपमेंट और इसमें एड ऑन कर रहा हूं मैं, जिससे क्लियरिटी जैसे ही हमारे एप्लीकेशन पे एकदम एचडी क्लियरिटी आने लगेगी, कैमरे की दिक्कत नहीं है, कुछ इक्विपमेंट आता है वो होते ही जैसे ही क्लियर आएगा। यूट्यूब की वीडियो हम क्या कर देंगे उस टाइम पे, बहुत कम लेंगे, बाकी कुछ बच्चे जो है बेनिफिट ले रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई उससे बुराई है नहीं, कोशिश तो मैं करता हूँ जितने बच्चों की मदद हो जाए सो हो जाए, लेकिन YouTube पे एक दिक्कत रहती है ना कि आपको क्लासेस सीक्वेंस से नहीं मिलते, आप रिवीजन करने बैठोगे तो मिल नहीं पाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से, नोट सीक्वेंस से, डाउट आप चैट ऑप्शन में पूछ सकते हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट पता चलता है, बस ये बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है ना। और भी चीजें हैं, कॉल पर्सनली या फोन करके, और जो यूट्यूब के बच्चे होते हैं वो फोन करेंगे, कब करेंगे, मेरे पास टाइम होगा, तो बस ये चीजें हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया है, सब जगह सही पढ़ाई चल रही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे असाइनमेंट में, अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, किसी को डाउट तो बताइए। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ट्यूसडे को आपने क्लास नहीं लिया था क्या? यस रिंकी, मैंने ट्यूसडे नहीं लिया था क्लास। सर 11th क्वेश्चन समझा दीजिए। ठीक है अफसीन, मैं 11th क्वेश्चन समझा दूंगा। 8 में बताइए डाउट पहले, मैं फिर वन बाय वन डाउट लेता हूं। 8 में बताइए डाउट। क्वेश्चन 8 में डाउट? नो, नहीं, इसमें नहीं। ठीक है डन। अब एक बच्चा बोल रहा था थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन और किस में। रूपा ने 1.9 बताया, रूपा मुझे 1.9 का तो नहीं पता, मेरे असाइनमेंट पे से देख के बता दो कौन सा है, बुक का तो मैं अभी पता नहीं है। 1.9 रूपा मुझे बता दो, 1.9 असाइनमेंट में से कौन सा है, पीडीएफ मैंने डाला हुआ है उससे देख के बता दो। और किसी ने बताया है मुझे 11 क्वेश्चन, अच्छा 11 देखते हैं, मैं अपने हिसाब से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर देता हूं, पहले 9 भी कर लेते हैं ना, 11 मैंने दिया था, 11 में क्या है जी, 11 में हाँ 10 के बाद 11, बिल्कुल मुझे 11 भी कराना पड़ेगा और 9 भी कराना पड़ेगा। 9 कितने बच्चों ने ट्राई किया था, मैंने 9 तो दिया ही नहीं था ना। थर्ड भी बताना है, ओके थर्ड भी मैं बता दूंगा जो डाउट रहेगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर, आपने 11 डिमांड किया है, मैं 11 कर देता हूं। और अगर मैं 11 कर दूंगा तो इससे पहले वाला भी खुद ही हो जाएगा। ठीक है डन, 11 करते हैं। रूपा बार बार कह रही हैं, मैं 11 क्वेश्चन पहले ले रहा हूं, इसमें कॉन्सेप्ट है सेलिंग प्राइस। अजय कुमार हो गया 9, 9 हो गया, 9 की तो मैं बात ही, अच्छा ओके 9 हो गया, वेल डन। पहले हम 11 करते हैं, इसको नोट कर लिया, होपफुली आपने इसे मिटा देते हैं। इसमें क्या पॉइंट सीखेंगे, जो अभी सिखा रहा था ये काम आएगा। देखो कुछ चीजें मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आगे ना समझने में आसानी हो। और आज मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जब कवर हो ही जाएंगे तो उसको करके क्या फायदा, होमवर्क में दे देंगे करके, और अगली क्लास से अब डाउट स्टार्ट करेंगे, और डाउट जितने जल्दी कवर हो जाए फिर हम चलेंगे कुछ नए चैप्टर पे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, बाकी तो सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, फिर भी ठीक है। फिर से हेडिंग डाल लेते हैं ना, 11 में WIP है या नहीं है, नहीं है, ओके डन। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, सबसे पहले होगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। मेरे असाइनमेंट का 11 आपके बुक में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। इसके बाद आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आएगा,
भूल गया मैं तो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद क्या आएगा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसको जूम, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, इसके बाद क्या आएगा, सेल, और उसके बाद क्या आएगा, प्रॉफिट, सेल और उसके बाद क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक है, हर बच्चों को विजुअल है, करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन 11 में कहता है रॉ मटेरियल दे रखा है आपको 6000 रुपए का, रॉ मटेरियल 6000 का, तो रॉ मटेरियल यहां आएगा, रॉ मटेरियल 6000 रुपए। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 5000, यहां पे आएगा प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और यह है 5000। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कहां आएगा, आपका प्राइम कॉस्ट के नीचे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के नीचे कितने, 2400। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 800 रुपए 200 किलो, तो इसके बीच का है प्लस ओपनिंग स्टॉक, और ये किसका है, एफजी का है। क्वेश्चन कहता है भाई 800 रुपए का तो है लेकिन ये 200 किलो है, यानी सब कुछ किलो में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक बोलता है 400 किलो है, क्लोजिंग स्टॉक कहता है जी 400 किलो है, रेट आप खुद निकालिए। चलिए, कहता है सेल किया हमने 20000 रुपए, सेल जो किया है वो 20000 का किया है, जो कि कितने किलो के बराबर है, 3000 किलो केजी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहां आएगा हमारा, यहां पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 1475 रुपए, 1475 रुपए। पीछे देखते हैं, कहता है प्रॉफिट डिजायर 30% ऑन सेल, इसको तो हम बाद में देखेंगे, प्रॉफिट डिजायर 30% ऑन सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक 1675 रुपए। एक बच्चे ने निकाल भी दिया सर, क्लोजिंग स्टॉक 1675 रुपए, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एडमिन नहीं है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या नहीं है, क्वेश्चन में एडमिन एक्सपेंस तो नहीं दे रखा। तो प्राइम कॉस्ट क्या आ गया हमारा, 6 और 5 11000, फैक्ट्री क्या आ जाएगा, 11 2 13400, 13400। इसके बाद हमारा यहां पे एडमिन एक्सपेंस आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं बताया तो मैं जीरो डाल देता हूं, 13400 का प्रोडक्शन हुआ। अब यहां पे देखिए, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का रेट हमेशा इसके हिसाब से निकालते हैं, ये अगर मुझे पता चल जाए कि कितने किलो बनाने का खर्चा है तो मैं 1 किलो का निकाल लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब कितने किलो बने ये निकालने हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, सेल यूनिट, सेल यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक किसका, एफजी का यूनिट में, प्लस प्रोडक्शन किसमें, यूनिट में, ये यूनिट में चलता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक एफजी का, ये भी यूनिट में है। तो सेल मैंने बता रखा है आपको 3000, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना 3000, और ओपनिंग स्टॉक कहता है कि जी 200 किलो है एफजी का, 200 किलो प्रोडक्शन हम नहीं बताएंगे,
कोई बात नहीं, मत बताओ। क्लोजिंग कहता है कि हमारा है 400 किलो। अब देखिए प्रोडक्शन निकल सकता है, तो माइनस 200, तो यानी क्या आ जाएगा 2800। ओके एक मिनट, प्लस हो जाएगा ना 3200, यही होगा ना। 200 इधर करेंगे तो माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा प्रोडक्शन। कुछ बच्चों का जवाब भी आ गया। इसका मतलब मैंने 3200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उसको प्रोड्यूस करने में खर्चा ये है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? पर यूनिट कह रहा हूं, केजी कह लेता हूं, चलो लो, पर केजी कॉस्ट क्या होगा? 13400 डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 3200 से, डिवाइड करेंगे 3200 से, और ये आएगा 13400 डिवाइडेड बाय 3200, 4.18 रुपए, 4.18 रुपए 75 मल्टीप्लाई बाय 400, 1675 रुपए, 4.1875, 1675 रुपए। तो देखो एक बच्चे ने तो जवाब भी दे दिया था। किसने जवाब दिया था मुझे? प्रद्युमन का क्वेश्चन आए क्या? बढ़िया है प्रद्युमन, महिमा ने जवाब दे दिया था। अब इजीली हो जाएगा, देखो 800 माइनस में 1675। अभी एक पॉइंट और बाकी है, मैंने बताया नहीं अभी, जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। माइनस करिए 13400 माइनस में 875, यानी 12525 प्लस 1475, 14000 और प्रॉफिट। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट तो आप डायरेक्ट निकाल लिया आपने, क्या कोई परेशानी हुई प्रॉफिट में? प्रॉफिट 6000। तो सर पीछे वाली लाइन का क्या मतलब था? पीछे वाले लाइन क्या कहता है? प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स, ये क्या मतलब था? देखिए कहता है जो भी हमारा सेल्स है ना, इसके ऊपर हम 30% प्रॉफिट कमाएंगे। तो सेल्स के ऊपर 30% निकालिए तब भी 6000 आएगा। हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकाल लिया जो कि 6000 आएगा। तो आपको लास्ट वाला एडजस्टमेंट अगर आप अप्लाई भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। प्रॉब्लम कब आती? अब मैं प्रॉब्लम क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम कब आती आपको? प्रॉब्लम तब आती जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन है और आपको सेल्स नहीं देता। मैं बोलता कॉस्ट ऑफ सेल 14000, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने कहा 14000, इसके आगे कुछ दिया ही नहीं। मैंने बोला प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 30% है ऑन सेल, प्रॉफिट 30% ऑन सेल है। तो वेरी सिंपल तरीके से लेके चलूंगा, जब हम इस परसेंटेज को और तोड़ मड़ोड़ के सीखना, मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो सीखेंगे, अभी वेरी सिंपल करेंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो सेल पे है और हमें सेल नहीं पता, हमें क्या पता है? कॉस्ट पता है। तो इसके ऊपर 30% निकालना तो जायज नहीं है, गलत ही होगा। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझो, अगर ये नहीं देता, अगर यहीं तक क्वेश्चन होता 14000 तक होता, ये नहीं देता सेल्स, तब आप फंस जाते, तब आपको निकालना पड़ता, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमारे 9 में है जो मैंने देखा था अभी। तो सेल्स तो पता ही नहीं है एक्स, कॉस्ट पता है 14000 और प्रॉफिट सेल्स का 30% है, तो एक्स बाई 3 नहीं हो जाएगा? बताइए 30/100 करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली x बाई 3 निकल के आएगा, x बाई 3 होगा, कुछ और होगा, देख लेते हैं, इनटू 30/100, 10 से 10 कैंसिल, 3/10, तो 3x/10 होगा, 3x/10 हो गया, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, इधर ले आएंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10/7x डिवाइडेड बाय 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, इसको इधर ले जाएंगे, मैं बता देता हूं। देखो x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 10,
3x डिवाइडेड बाय 10, 10 7 7 बाय 10 आएगा हाँ, और 14000 तो ये आ जाएगा हमारा 7 बाय 10 एक्स डिवाइडेड बाय 14000। अब मल्टीप्लाई करिएगा 10 से और डिवाइड 7 से, तो आपका रिजल्ट जो आएगा x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्रद्युमन पूछ रहा है किस बुक का क्वेश्चन है, ये महेश्वरी मित्तल के बुक का क्वेश्चन है। 14000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 7, देखिए रिजल्ट आ गया मेरे पास 20000, यानी आपने सेल्स निकाल लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे बुक के अंदर हमारे असाइनमेंट में जो गिवन है, उस असाइनमेंट की हम बात करें तो आपको ये जो चैलेंजिंग भरा क्वेश्चन मैंने कराया है अभी, वो 9 में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 9 में लास्ट में कहता है हमारा 25% ऑन सेलिंग प्राइस है और क्वेश्चन में दूर दूर तक सेल्स नहीं दे रखा है, लेकिन आप सब कुछ करते करते गिरते पड़ते यहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद कहता है 25% ऑन सेल है, तो उसके बाद आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप इजीली क्या निकालने में कामयाब हो जाओगे, सेल्स पे रखना, बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में डाउट, इस कार ने पहले ही जवाब दे दिया, इस कार ने 14.1875 भी लेना है इस कार इसके अंदर, क्योंकि जब डिजिट हमारा 3-4 होना तो यहां तक लेना है हमें। बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें, प्रद्युमन गुप्ता और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, एक बार देख लेते हैं डाउट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें किसी को डाउट तो बताएं। एक बात और प्रद्युमन गुप्ता, आप नोट करिए फटाफट, फिर 3 को भी देखते हैं। हाँ जी प्रद्युमन, आपका रिजल्ट कैसा रहा, यूट्यूब पे है लाइव तो बताएं, आपने सीए का एग्जाम दिया था, रिजल्ट कैसा रहा। चलिए मैं इतने 3 देख लेता हूं, जो जवाब देंगे फिर देख लेंगे। सौरभ आप जो 3 बोल रहे हो, इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने 4 किया है, एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड कहता है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। सौरभ का क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, कहाँ डाउट होगा मैं एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। हाँ सौरभ मैं क्लियर भी कर देता हूँ, देखो सौरभ जो आपका डाउट होगा ना, वो मैक्स टू मैक डाउट पता किस में होगा, आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा कि एक तो ऑफिस ओवरहेड हमारा, मैं साइड हो जाता हूं, मैं दिखाई देता हूं आपका सौरभ जो डाउट रहा होगा, वो डाउट रहा होगा एक तो जो हमें गिवन है यहां पे क्या, ऑफिस ओवरहेड, ये रहा ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट और एक सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा। तो देखो सेल्स का यूनिट है 16000, 16000 को तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा हमारा 8000 रुपए, और ऑफिस ओवरहेड 20% बताया, तो मैं इसको समझा देता हूं। ऑफिस ओवरहेड, अब वर्क कॉस्ट क्या होता है, इसी को तो वर्क कॉस्ट कहते हैं, वर्क कॉस्ट। तो इसने क्या कहा कि जो हमारा ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड का मतलब पता है क्या, एडमिन, इसको ऑफिस ओवरहेड बोला जाता है। ये जो है, ये जो वर्क कॉस्ट निकलेगा ना, उसका कितने परसेंट है, क्वेश्चन कहता है उसका परसेंटेज है हमारा 20,
तो मैं इस वाले एग्जाम्पल में साइड बाय साइड बता देता हूँ। तो 13,400 सपोज करो निकला, तो इसका 20% क्या होगा, 2680 रुपए। ये आ गया लो जी, आपका यही डाउट रहा होगा मैक्सिमम, पूरा क्वेश्चन का बेनिफिट तो है नहीं, यही डाउट रहा होगा मैक्सिमम। बताइए सौरभ, यही डाउट था, या तो आप वॉइस पे आइए और मेरे से पूछ सकते हैं एप्लीकेशन पे आके। डाउट डाउट सर, क्वेश्चन नंबर थ्री में फिनिश गुड्स वाले में प्रॉब्लम है, फिनिश गुड्स में प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं फिनिश गुड्स में क्या प्रॉब्लम है। इसमें एफजी निकाल सकते हो आप इजीली, 17,100 यूनिट है, काफी बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में ये प्रॉब्लम है, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं कर देता हूं, ठीक है ना, 5 मिनट लगेंगे, मैं कर देता हूं, ये सबने नोट कर लिया, मैं क्वेश्चन थ्री पूरा ही कर देता हूं ताकि झंझट क्या हो जाए, खत्म ना रहेगा डाउट, कर देता हूं मैं क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको यूज कर लेता हूं। लो जी लो, अब पूरा ही क्वेश्चन हो रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं, और ये मिट गया। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर थ्री। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, शायद क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री में कहता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड बाय द अरुणा इंडस्ट्रियल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। रॉ मटेरियल कहता है 15,000 का परचेज किया, तो जी रॉ मटेरियल आ गया ये 15,000। कहता है डायरेक्ट लेबर 9,000, ये लो जी डायरेक्ट लेबर 9,000। मशीन आवर 900, तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रही है, फैक्ट्री ओवरहेड, मशीन आवर 900 और एक घंटे का रेट क्या है, एक घंटे का रेट क्या है, 5 रुपए, तो ये आ गया 4,500, ये आ गया 4,500। प्रोडक्शन कहता है मैं 17,100 यूनिट बनाऊंगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं बनाऊंगा 17,100 यूनिट, कोई बात नहीं। तो सेल्स कहता है मैं 16,000 यूनिट करूंगा, तो सेल्स कहता है मैं बेचूंगा 16,000 यूनिट भाई, और एक यूनिट 4 रुपए का बेच दूंगा, तो 64,000 रुपए का सामान बिक्री कर दी इसने। कहता है सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा प्राइस है, तो सेलिंग ओवरहेड जो है हमारा, सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा, तो 16,000 यूनिट और 50 पैसा पर यूनिट है ये, इंटू में 0.5, तो ये लो जी ये आ गया 8,000। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट चेंज कर देते हैं इसको।
ये लो जी आ गया 8000। और आगे क्या है, बस ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या निकाल पाओगे, 15 और 9 24000। और इसमें अगर ये प्लस कर दोगे तो 24 4 28500। और इसी 28500 को हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। अब कहता है कि ये जो हमारा ऑफिस है यानी एडमिन ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड जिसको ऑफिस एक्सपेंस बोला गया है, ऑफिस ओवरहेड बोला गया है, कहता है इसका जी 20% है। तो 20% कितना होगा, 5650 मल्टीप्लाई बाय 2, 28500 का 20% ये आ गया 5700 प्लस कर देते हैं, प्लस 28500 ये आ गया 34200। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहता है, देखो क्वेश्चन में कहा कि मैंने भाई प्रोडक्शन किया मैंने 17100 यूनिट और मैंने सेल कर दिया 16000 यूनिट। तो आप जरा बताइए, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन बता नहीं रहा, तो आप ईमानदारी से बताइए कि हमारे पास कुछ बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। तो सर बिल्कुल बचा होगा। तो कितने यूनिट बचे होंगे बताइए, 17100 में से अगर 16000 माइनस करोगे तो 1100 सगुन का जैसे 1100 होता है वही बचा होगा। और उसको क्या नाम दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। पहले यहां पे देखिए आप, 1100 क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो मैं यहां पे ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, जीरो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल है, कितने हैं 1100 यूनिट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, सर इसको मल्टीप्लाई कर दो जो प्रोडक्शन का रेट आ रहा है। तो सर प्रोडक्शन का रेट क्या आया, सर प्रोडक्शन का रेट आएगा आपका 34200 डिवाइडेड बाय 17100, यानी ये तो बड़ा ही सिंपल था, 2 रुपए आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 तो आ गया 2200। ये लीजिए जी 2200 माइनस, ठीक है, माइनस 2200 ये आ गया 32000 और 8000 प्लस करेंगे तो 40000 और 40000 के और बीच का डिफरेंस लेंगे तो 64000 यानी 24000 रुपए का हमारा प्रॉफिट फाइंड हो गया। लीजिए तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया, 2 रुपए इस्तेकार ने पहले ही जवाब दे दिया, वेरी गुड। और देखते हैं कोई किसी बच्चे का डाउट। सौरभ ये लो मैंने क्वेश्चन कर दिया, किसी का डाउट बताइए। सभी बच्चे कहाँ गए, यहां तो मुझे दिख रहे हैं, चांदनी एब्सेंट है, यूट्यूब पे तो नहीं है वो। क्लियर डाउट, उठ जाओ बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लियर डाउट, यूट्यूब वाले बच्चे तो सो ही गए। ओके अफसीन, नहीं डाउट, नो डाउट महिमा। क्लियर है, ठीक है, सबके डाउट भी पता चल गया, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं होमवर्क की, होमवर्क की बात करते हैं, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाए आपको। होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे, नोट भी करते, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया शायद, सिक्स
मना कर रखा है, बेसिक्स में ही करा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सेवन भी मना करा हुआ है अभी, ठीक है। बाकी चाहो तो कर सकते हो, सेवन चार्जेबल एक्सपेंस वगैरह है डाल सकते हो, सेवन ट्राई करना भाई, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। एट मैंने करा दिया, मैंने कराया है नहीं कराया है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अभी तो कराया एट, हाँ ठीक है। नाइन मैंने समझा दिया कैसे करना है। टेन होमवर्क में लिखिए, जिसने नहीं करा वो बिल्कुल सिंपल है। इलेवन हो गया, 12 होमवर्क में होना चाहिए, 13 भी होमवर्क में होना चाहिए, 14 काफी लेंदी है, इसको मैं करा दूंगा, या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये आप रफली करके देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार 15 होमवर्क में अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं करा दूंगा। 16 भी ट्राई करेंगे, 17 रफली कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। 18 लिखते जाइएगा आप कहीं रजिस्टर पे, 18 आपको ट्राई करना है, 18 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 18 के बाद 11 आ गया, चलो मिसप्रिंट होगा, इसको रेक्टिफाई कर देंगे। 18 के बाद 11 आ गया है क्वेश्चन, मिसप्रिंट है, इसको 11 को तो रहने देना, काट देना। 19 कर सकते हो, यानी लगभग लगभग क्वेश्चन आप सभी मैंने होमवर्क में दे दिए। 12th में भी प्रॉब्लम है सर, 12 में को क्या प्रॉब्लम है, अब बताओ अफसीन 12 में क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं एक बार 12 कौन सा है। 12 में प्रॉब्लम बताइए, अभी क्लियर कर देते हैं, 12 में क्या प्रॉब्लम है आपके। ट्वेल्व में प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपको कंप्यूट करना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आपको देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको बताना है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट को ही बोलते हैं। इसको भी मैं करवा दूंगा अगली क्लास में 12। इसमें देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो दे रखा है ना, ये प्राइम कॉस्ट है, और आपको निकालना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो प्राइम कॉस्ट गिवन है और माइनस प्लस करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकल जाएगा। बाकी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, आज टाइम हो गया है लगभग, शायद एक क्लास और मुझे लेनी पड़े किसी की। सारे क्वेश्चन मैंने अभी जो बोले हैं वो होमवर्क में है, अगली क्लास में और भी डाउट लेंगे, और होपफुली के हमारा सैटरडे वाले दिन अगली क्लास के अंदर डाउट भी लेंगे, और होपफुली सैटरडे वाले दिन इस चैप्टर को फिनिश करके, और मंगलवार को, यानी एक अच्छे दिन की शुरुआत और एक अच्छा सा चैप्टर जो कि बहुत जल्दी खत्म होगा। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर था, क्वेश्चन भी देख रहे हो आपने, 18-20 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो लेंदी चैप्टर था, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। होपफुली ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, और जो प्रैक्टिस करोगे और भी समझ में आएगा। जब सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तब फिर इसके मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, होमवर्क करिए मन लगा के, और आप अच्छे से हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच बच्चे, और जो बच्चे अगर लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो उसको आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और आपने जैसे कि जो भी आपका ओपिनियन हो, तो मैं हर बच्चों को कहता हूं, जो भी आपका ओपिनियन पर्सनली हो, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो बच्चों को तो पता ही है, तो 11 से पढ़ रहे हैं, 5 साल हो गए पढ़ते हुए, जो ऑनलाइन अभी जुड़े हैं, तो एटलीस्ट गूगल क्रोम पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि हाँ हमने यहाँ पे लिया था, ये चैप्टर समझ में आया, जैसे जैसे लगे आप जरूर शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच, उससे थोड़ा क्या होता है, मुझे भी पता लगता है कि मैंने सही भी पढ़ा है या गलत पढ़ाते जा रहे हैं। गुड नाइट।
शुभ रात्रि।